मिली पुरानी पेंशन योजना, साथ में ही जीपीएफ अकाउंट अलॉट करने का आदेश हुआ जारी। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के 200 से अधिक कर्मी, जिनमें कि जवान से लेकर निरीक्षक तक शामिल हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। बल मुख्यालय ने गत सप्ताह एक आदेश जारी किया है और इस आदेश में उन सभी जवानों को मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस खाता बंद कर उसकी जगह पर पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस के तहत जीपीएफ खाता संख्या अलॉट कर दिया जाएगा। सीआरपीएफ में 9 कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर 163 जवानों को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के अधीन कवर किए जाने के योग्य पाया गया। तो इस तरीके से सीआरपीएफ के 200 से अधिक जवानों को अब एनपीएस की जगह पर ओपीएस का फायदा दिया जाएगा, साथ में ही उनके लिए सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत जीपीएफ अकाउंट भी खोले जाएंगे। सीआरपीएफ में जिन कर्मियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा वे बल महानिदेशालय, कोबरा सेक्टर, आरएएफ सेक्टर और कई दूसरे जोन में तैनात हैं। बहुत से कर्मी ऐसे भी हैं जिन्हें कंपनसेट अपॉइंटमेंट आधार पर ओपीएस दिया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबर ये है कि ऐसे जवान जिनके की नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर 2003 में पूरी हो गई थी, नियुक्ति पत्र 1 जनवरी 2004 के बाद जारी किया गया था और इसमें उम्मीदवार की कोई गलती नहीं थी, इसी की वजह से इसे विभागीय लापरवाही मानते हुए उन सभी जवानों को एनपीएस की जगह पर ओपीएस में शामिल किया जाएगा। तो अब यहाँ पर काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया है और सीआरपीएफ के इन सभी जवानों को एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ दिया जाएगा।